नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, नगीना में 19 अप्रैल को चुनाव संपन्न हो गए। यहां पर चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ मनोज कुमार समाजवादी इंडिया गठबंधन से थे। वहीं दोस्तों बीएसपी का भी उम्मीदवार था और ये जो मुकाबला बन गया था, त्रिकोणीय मुकाबला बन गया था। लेकिन अब जो मीडिया में खबरें आ रही है, जो मीडिया ने खबरें छापी है, वो चंद्रशेखर आजाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। हाँ दोस्तों, ये कुछ मीडिया खबरें पढ़िए जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नगीना में जो मुकाबला हुआ है, नगीना लोकसभा का, वह भाजपा और आसपा के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। आपसे मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, सबूत के साथ बोल रहा हूं, ये न्यूज पढ़ लीजिए। नगीना लोकसभा, भाजपा वह आसपा में कांटे की टक्कर, मुस्लिम वोट आसपा वह सपा और दलित वोट आसपा और बसपा में बटा। हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को मुस्लिम वोट भी भरपूर मिला है कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, और दलित वोट भी भरपूर मिला है। और दलित और मुसलमानों की बहुजन, मतलब बहुत अधिक जनसंख्या है, ये कह लीजिए कि 70 से 80% जनसंख्या इन दोनों की है, और इन दोनों का वोट जिसे मिलेगा वो नगीना जीत जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो मुस्लिम वोट बटा है वो आसपा यानी कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच बटा है, और जो दलित वोट बटा है वो या फिर गया है वो ज्यादातर चंद्रशेखर और बसपा को गया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है, और आसपा को अन्य कई जातियों के भी वोट भरपूर मिले, ये भी इसमें लिखा गया है। सैनी हो, जाट हो, और भी कई जातियां हैं जो पश्चिमी यूपी में बसती है या फिर खासकर नगीना बिजनौर में बसती है, उनका भी वोट चंद्रशेखर आजाद को भरपूर मिला है, और मुसलमान और दलितों का तो मिला ही है। दोस्तों यही नहीं, और भी कई मीडिया रिपोर्ट इसमें भी देख लीजिए। सिहोरा में भाजपा और आसपा में के बीच कांटे की टक्कर, यानी कि एक विधानसभा है ये नगीना की, उसमें भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बसपा वह सपा को मुसलमानों ने नकारते हुए आसपा को दिया समर्थन, यानी कि बसपा और सपा को नकारते हुए आसपा को यानी कि चंद्रशेखर आजाद को दिया मुसलमानों ने समर्थन। और दोस्तों एक बात बताऊं, चंद्रशेखर के पक्ष में जो मुसलमान वोट है वो बहुत अधिक पड़ा है। उन्होंने मुसलमानों के लिए किया भी बहुत कुछ है, सड़क पर लड़ाई भी बहुत जबरदस्त लड़ी है पिछले कई सालों में। चंद्रशेखर की धमक से रोचक हुआ नगीना का मुकाबला। तो दोस्तों ये जो खबरें निकल कर आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने बहुत बड़ी फाइट लड़ी है नगीना में और बड़ी टक्कर दी है खासकर भाजपा को। यहाँ पे सपा और बसपा का नाम ही नहीं आ रहा है, ज्यादातर ये बताया जा रहा है कि सपा के जो वोट थे वो चंद्रशेखर को ट्रांसफर हुए, मुस्लिम वोट, और बसपा के दलित वोट भी चंद्रशेखर को ट्रांसफर हुए। और कई रिपोर्ट्स ने ये छापा है कि जो कांटे की टक्कर हुई है, कड़ा मुकाबला हुआ है, वो चंद्रशेखर और भाजपा के जो प्रत्याशी थे उनके बीच में हुआ है। ये मीडिया की रिपोर्ट छाप रही है, मीडिया में ये रिपोर्ट बहुत तेजी से चल रही है दोस्तों। तो दोस्तों मीडिया की इन रिपोर्ट्स के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको वाकई लगता है कि ये कड़ा मुकाबला हुआ है भाजपा और चंद्रशेखर के बीच में नगीना में, और चंद्रशेखर ये सीट जीत जाएंगे 4 जून को? क्या होने वाला है, क्या चंद्रशेखर जीतेंगे या हारेंगे नगीना की सीट? नीचे कॉमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं।